जय श्री राधे कृष्णा। तो आज हम लोग ढाणे आ गए हैं और आज जन्माष्टमी का दिन है, तो मुझे यहाँ पे लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार करनी थी, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और काफ़ी कपड़े भी हो रखे हैं धोने वाले, तो मैं आते ही यहाँ पे पहले तो सफाई करने लग गई हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए, वैसे 2-3 दिन तो हो ही गए होंगे, घर बंद पड़ा है तो गंदा हो जाता है। तो आते ही पहले मैंने झाड़ू पोछा किया और उसके बाद साथ के साथ कपड़े धोने भी लगा दिए थे। तो सुबह के 9 बज रहे हैं लगभग, और आते ही मैं सफाई पे जुट गई हूँ और बाहर कपड़े धोने भी लगा रखे हैं। उसके बाद में मुझे लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस रेडी करनी थी, तो आज का दिन पूरा खूब बिजी जाने वाला है, क्योंकि काम है ज़्यादा। सब्जी वगैरह लेके आए थे, उसे फ्रिज में रख रही हूँ, और खाना भी मैं बना के लेके आई थी बानाजी का। मेरा तो फास्ट है, तो बानाजी का जो खाना है उसको भी मैंने सब्जी को फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि इनका पता नहीं ये लेट तक खाएंगे तो सब्जी ख़राब भी हो सकती है। मैंने सुबह ही सब्ज़ी जल्दी ही बना ली थी, लगभग 7 बजे के आसपास मैंने बना दी, क्रिस को स्कूल जाना था इसलिए। तो आते ही मैंने दूध और सब्ज़ी को फ्रिज में रख दिया है, और झाड़ू लगा के फिर मुझे पोछा वगैरह भी लगाना है। एक वॉश फेशियल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नहीं आते और बाना जी आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये सफाई तो नहीं करते ना, सफाई तो हमें ही करनी होती है आके। कुछ मुझे जल्दबाजी भी है, क्योंकि आज मुझे जल्दी ही जाना होगा। एक तो उपवास है, ऊपर से मैं लड्डू गोपाल को साथ में लाना भूल गई थी, तो मैं चाह रही हूँ कि फटाफट से यहाँ से काम ख़त्म करूँ और उसके बाद में जल्दी से यहाँ से जाऊँ लड्डू गोपाल के पास, ताकि उनको भी नहला के भोग वगैरह लगा दूँ। तो जो काम करना ज़रूरी था वो काम रह गया, लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए मुझे आज आना पड़ा, नहीं तो हम कल भी आ सकते थे। सैटरडे को क्रिज की छुट्टी होने के बाद हम आ जाते हैं वैसे, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए मैं जल्दी आई और वो काम भी मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर मुझे ये थोड़ी टेंशन भी हो गई। और इसलिए मैंने भी सोच लिया कि मैं आज सिर्फ पानी पानी पीऊँगी जब तक कि मैं लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा देती हूँ। तो सिर्फ अब वॉश फेशियल बचा है मेरा साफ़ करने वाला, इसके बाद में मेरे कपड़े धुल चुके हैं, एक राउंड धुल चुका है तो मैं पहले वो सुखा देती हूँ। 3 राउंड है, तो फर्स्ट तो धुल गया, उसके बाद में मेरी राजपूती ड्रेस की जो ओढ़नी है ना उसके मुझे लेस भी लगानी है। देखो किनारी लगा ली और कपड़ा एक राउंड धुल चुका है, एक राउंड धोके सुखा दियो और एक चालन आ गया, अभी बाद में बेड शीट वगैरह बह दूंगी। तो 3 राउंड है टोटल, दूसरा स्टार्ट है अभी, तो बीच में मैं कह करूँ लड्डू गोपाल को ड्रेस को बेस तैयार कर दूँ और सील बाद में लूंगा, इतने में कपड़ा धुल जी तो सागे सागे धोगी सुखाई ना, ताकि सागे सागे सूखता जावे, तो मैंने समेट के सागे लेके भी जाना है। तो मैं सोचूँ जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाऊँ, तो अठू निकलूँ और लड्डू गोपाल ने जाके नहलाश हूँ। राम राम जी सारा ने मेरी तरफ हूँ, महाराज दीपू डाणी आईडी है, व्रत है मेरा दिन फ्रूट ले आता लड्डू गोपाल ने आता गया भूल है, देखो ये पड़िया फ्रूट पड़े है, क्या खाऊँ को नहीं मैं, देखो काट के दिया है, अब जाऊँ क्या लड्डू गोपाल के भोग लगाए बिना मैं खाऊँ को नहीं, मैं इनको लड्डू गोपाल का न्यारा छोड़ दे, ये मैं देखो न्यारा छोड़ दिया, ये 3 न्यारा छोड़ दिया लड्डू गोपाल का, मैं गुजार भोग लगा दी। मैंने कहा ना ना मैं लड्डू गोपाल का यहाँ कौन लगाऊँ और मैं खाऊँ कौन ही, मैं जो खाली पेट है सुबह को कहीं खाइडो को नहीं खा ले। दीपू ए दीपू ले तो कौन खाऊं दो मैं, क्या ए देख मैं काट के ले हूं, तो फिर क्यों पप्पू घोसा है एक पे ए पप्पू घोसा है देख ए देखी, अरे एक काला पड़ना क्या थे अन खा लो खाओ तो ए देखी ए नहीं ए पप्पू घोसा खा के देख, मैं लड्डू गोपाल का नेहरा छोड़ दिया तो मेरे बर्थ खराब हो जाए प्लीज ले ले, अरे मैं लड्डू गोपाल का तो नेहरा छोड़ दियो, तो अभी अभी गयो बे मैं बल्ले ही छोड़ दियो, मैं कौन खाऊं, मैं देखो लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार कर दी, तू लड्डू गोपाल की ड्रेस तो तैयार कर ली बाद में कर ली, पहला ले खा ले, मैं नेहरा छोड़ दिया तो काड़ा हो जावे, मैं काट दिया काड़ा, वो मैं कह दियो बे मैं जितना लड्डू गोपाल का भोग ना लगाऊं
फिर देखिए खाऊंगा लड्डू गोपाल जी तो भूख ही बैठे हैं। मैं लगवाऊं भोग है नहीं मेरी लापरवाही हूँ, लड्डू गोपाल जी तो भूख ही बैठे हैं नहीं तो फिर क्या तो देवता तो बस ना भूखा हुआ है। फिर देवता को नहीं बच्चों करके पाली जाए आज किट्टू ने देवता बस ना भूखा हुआ है नहीं जी थे कॉमेंट में बताइयो यार न्यारा छोड़ दिया वहां खतर है मैं जाके लगा दी भोग। अब देखियो अब बरदाई कर ले ना ले ले अब ठीक है तबीयत है अब ठीक है की ठीक है की पेट के मां घेर ले ले मैं पानी पी लियो मैं ले 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 मैं दे काट के ले ओ कितो बढ़िया होया पप्पू गोसो है तो कर ये सा देख ले जे मन ने कोनी क्या मैं तो लड्डू गोपाल ने जिमाई बिना जिमू कौन यार तो बंग नेरा छोड़ दिया मको बेताब कर रे कैसे का भूखा है अब तू भूख क्यों मरे का गलत है जी मेरी बात कमेंट में जरूर बताइयो थे आ बात भी देखो देवता तो बस ना भूखा है नहीं बिना भी भूखो रहनो पड़े जे बच्चों भूखो है तो मां के दिखाऊं खास के के फोन लगे बिंगे गलम को निकले मैं भी कौन खाऊं जब मैंने याद तो मजबूरी है मैं भी बच्चा घरे रहे जब भी मैंने याद रे से मुर्गे के दिसे बोले लागे कोनी थे जरूर बताइयो जी भी ओ जी दिन वाछ कोनी आज जन्माष्टमी को दिन है आज के दिन मैं भगवान ने भूखा रहा क्या वो कौन लगायो फिर अगर जल्दी जल्दी आओ सामान शाम ले चला बस बाकी ड्रेस बताइयो किसी की तैयार हुई है थोड़ा बहुत अभी और करना है ए फ्लावर और अटैच करूंगा घनी सोनी है दिखा तो दियो इन ब्लॉगों में ऐसे ही एंड करूंगा और थानो ब्लॉग किए लगे प्लीज कमेंट करके बताइए वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर दियो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और आज शाम को ब्लॉग मैं अलग करूंगा लड्डू गोपाल की ड्रेस वगैरह तैयार करके शाम को ब्लॉग एक अलग वैगो और शाम में मैं राजपूती ड्रेस पहनूंगी कृष्ण भी उसका तैयार करूँ और लड्डू गोपाल को दरबार भी तैयार कराऊंगा तो थे वह वीडियो कल आवेगी जरूर देख लियो तो ठीक है जी सारा ना राम राम मेरी तरफ हूँ।